एक बात तो बताओ, एक तरफ दावा करते हैं मेरी बहनें और हैदर के हम सीमा से बहुत प्यार करते हैं, एक तरफ मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये कैसा प्यार है? ये प्यार कौन सा है? पत्रकारों पर रासुका लगी, पत्रकारों पर एनएसए लगी। हम डरने वाले नहीं वकील साहब, हम जेल भी चले जाएंगे। एक महिला जो 4 बच्चों को लेकर आई है, उसका पति कह रहा है मेरे बच्चे कहाँ है, वो सो नहीं पाता रात रात दिन। सनातन धर्म का सर्टिफिकेट ठीक है आप ना, आपके खिलाफ तो अभी कोर्ट में भी केस हो गया ना वकील साहब, वो भी एक बड़ा संकट आपके सामने आने वाला है। जो हैदर ने सीपीसी धारा 82 साफ तौर पर कहती है कि पाकिस्तान जो हमारा युद्ध देश है, जिससे युद्ध के संबंध हमारे रहते हैं, वहाँ का कोई व्यक्ति भारत की किसी न्यायालय से कोई मुकदमा नहीं डाल सकता है। सीपीसी पढ़ लेना 82, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो इंडियन सीमा भारतीय वकील को हायर कराया है हैदर ने, आपके जो पूर्व पति है उन्होंने इंडियन वकील को हायर किया है या उनसे संबंध किया है, अब उन्होंने केस डाल दिया है यहाँ पर कि मैं मतलब वो गलत तरीके से आई है और आपको जेल भिजवाएंगे, वो उनका क्लेम करना है। एक बात तो बताओ, एक तरफ दावा करते हैं मेरी बहनें और हैदर के हम सीमा से बहुत प्यार करते हैं, एक तरफ मुझे जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, ये कैसा प्यार है? ये प्यार कौन सा है? ये कैसा प्यार है? इन बच्चों की माँ को जेल भेजना चाहते हैं? ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हो? नहीं, उनको मैं बता रही हूँ, एक तरफ से प्यार कहते हैं, एक तरफ मुझे जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे हो। मेरे साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी जी है, मोदी जी है, मेरे भाई वकील डॉक्टर एपी सिंह है, जो कोई कुछ नहीं कर सकता कानून के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के वकील है मेरे साथ, मेरे पति देव है, मेरे पास ये मंगलसूत्र है जो कि मेरा सुरक्षा कवच भी है, मेरा ये रिश्ता हमारा। आपने जो आप पर आरोप है कि आपने जो बेल लिया वो भी गलत एफिडेविट के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर लिया। ये बेल लेती है, मैं तो जेल में थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे पास अंगूठा लिया गया था। आप भी जेल जा सकते हैं अगर आपने गलत एफिडेविट दिया होगा, गलत तथ्य रखे। जाने वाले हो गलत खबर दिखा के, आप आतंकवादियों से बात करते हो, पकड़े गए हो। पत्रकार है, हम पत्रकार है, पत्रकार है, सबको जेल में डाल दो। पत्रकारों पर रासुका लगी, हम ही ने बचाए। पत्रकारों पर रासुका लगी, पत्रकारों पर एनएसए लगी। हम डरने वाले नहीं वकील साहब, हम जेल भी चले जाएंगे। जेल चले जाओ, भेजो जेल। जब जेल जाओगे तो मिलने आएंगे, बेल हम ही कराएंगे, याद करना, बेल हम ही कराएंगे। तुम ही जेल भेजोगे, तुम ही जख्म दोगे, तुम ही मल्लम, यही तो खेल खेल रहे हो ना। पाकिस्तानियों से बात करोगे तुम, पाकिस्तान पत्रकार, हम सच्चाई के लिए पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं। हमें जख्म दिए हैं, पाकिस्तान ने आतंकवाद दिया है, पाकिस्तान ने संसद हमला दिया है, पाकिस्तान ने दिल्ली हाईकोर्ट ठीक है, ये मानवीय पहलू है। एक महिला जो 4 बच्चों को लेकर आई है, उसका पति कह रहा है मेरे बच्चे कहाँ है, वो सो नहीं पाता रात रात दिन। सनातन धर्म का सर्टिफिकेट ठीक है, आप जूम करो पाकिस्तान को देखना है। ठीक है, वो आप हिंदू होगी ये सर्टिफिकेट, हालांकि मन का मामला होता है धर्म, लेकिन आप सर्टिफाइड हो गई है ठीक है। लेकिन हैदर जिसके 4 बच्चे, दूध मुंह है बच्चे, वो रात को सो नहीं पाता, 4 साल सो लिया था, 4 साल सोने ना सो पाए, पागल हो जाता है आदमी, 4 साल सो लिया। पता था ना कि सेफ है, उस तब सेफ थे उसके बच्चे, जब हिंदुस्तान में अनसेफ हो, स्पाई के आरोप लगते तब सेफ थी, पर आतंकवादी के आरोप लगते तब सेफ थी। सीमा से बात करने दो वकील साहब, जासूस थी, हम कोर्ट में नहीं खड़े इस समय, आतंकवादी थी तब सेफ थी, तब जासूस थी तब एक बार आवाज नहीं निकली, अरे भारत के लोगों, अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस, सीमा जासूस नहीं है मेरे माले। आप कैसे करेंगे, कल अगर जासूस निकल गई आप लेंगे वो? वो बोले तो निकले ना, डबल फांसी दिला देना, आप भी फांसी दिला देना, जासूस निकले तो मना कौन कर रहा है।